देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिंग एक्सपांशन पे बात की थी कि किस तरह से रिंग एक्सपांड करके हम कार्बोकेटायन को रीअरेंज करेंगे। आज उसी पे बेस्ड ऑन दो तीन प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों को देखिए, खुद से ट्राई कीजिए और अगर नहीं बनते हैं तो फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो जरा एक बार इनको देख लो, ट्राई कर लो, ठीक है। पहले का आंसर क्या आएगा, क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आप क्या कराओगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे जो सेकेंड स्ट्रक्चर आएगी वो क्या आ जाती है, इस तरीके से आ जाएगी, CH+ एंड CH3, है ना। जब ये आ गई तो आपको रिंग एक्सपांशन की मैंने कंडीशन बताई। रिंग एक्सपांड कब करवा सकते हैं हम, रिंग एक्सपांड तब करवा सकते हैं जब आपके पास में रिंग से डायरेक्टली कोई कार्बोकेटायन अटैच्ड होगा। तो हम यहाँ पे देखा कि रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बोकेटायन है, 4-मेंबर रिंग है। तो इसको आपको जब मैंने एक्सपांशन बताया था तो आपने देखा था कि रिंग जो थी वो 5-मेंबर रिंग की ओर चली जाती है और आपके पास में यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर आया था, कार्बोकेटाइन यहाँ पे आया था। तो उस कार्बोकेटाइन को हमने 1-2 हटायर शिफ्ट की थी और यहाँ पे कार्बोकेटाइन अपने जनरेट करवाया था, राइट। अब क्या करना है भाई, Br का अटैक करवा दो। तो यहाँ पे आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है, यहाँ पे CH3 और Br ने यहाँ पे अटैक कर लिया। बोलो समझ में आया। तो 4-मेंबर रिंग CH3 लगाना है, 4-मेंबर रिंग को 5-मेंबर रिंग में चेंज करना है, CH3 लगाना है और 3° कार्बन पर कार्बोकेटायन बनेगा और उस पर Br का मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में ये वाला था, तो मैंने इसमें बताया था कि अगर ये सिर्फ इतना होता और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज होता तो हम रिंग एक्सपेंशन नहीं कराते, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा CH3 आ जाता। तो मैंने इस रिंग को भी आगे आई थिंक वीडियो लेक्चर में बताया होगा कि जब आपके पास में इस तरह की कंडीशन आती है तो यहाँ पे H आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन आएगा। तो अब यहाँ पे CH+ NCS3 होता है। तो अब हम यहाँ पे रिंग एक्सपांड करवाएंगे और रिंग एक्सपांशन करवाने के बाद में जो स्ट्रक्चर आपको मिलता था वो यहाँ पे कैसे मिलेगा, जरा देखने अगर याद ना हो तो, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना था, अब कार्बोकेटाइन यहाँ पे आया और CH3। तो फिर हम क्या करवा देंगे, जब CH3 यहाँ पे था अगेन हम रीअरेंज करवाएंगे, 1-2 हटायर शिफ्ट, CH3 यहाँ पे आ जाएगा और Br यहाँ पे आ जाएगा। बोलो समझ में आया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में एक 4-मेंबर रिंग है और एक 5-मेंबर रिंग है ना। तो जो 4-मेंबर रिंग है वो 5-मेंबर रिंग की ओर जाएगी और जो 5-मेंबर रिंग है वो आपकी 6-मेंबर रिंग की ओर जाती है। और आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि रिंग को एक्सपांड करवा दीजिए, जॉइंट्स पे कार्बोकेटाइन लगा दीजिए। तो 4-मेंबर रिंग को 5-मेंबर बना दो और जो आपकी 5-मेंबर रिंग है उसको 6-मेंबर बना दो, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। अब क्या करवाना है, Br- का अटैक यहाँ पे करवा देने का। तो यहाँ पे मेरे पास में इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। बोलो समझ में आया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आगे हम बात करते हैं मार्कोनिकोव रूल्स। क्या कहता है मार्कोनिकोव रूल्स, देखिए जब भी आप किसी भी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन पर HX का एडिशन करवाते हो तो यहाँ पे H और X में से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल H+ होगा वो कहाँ जाएगा उसके बारे में उन्होंने बताया। तो when molecule of HX add up on unsymmetrical unsaturated hydrocarbon, the electrophile goes to the unsaturated carbon atom bearing the more number of hydrogen atom। क्या मेरी बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, उस अनसेचुरेटेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिस कार्बन एटम के पास में ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन एटम होंगे, ये मार्कोनिकोव ने कहा था। जैसे CH3CH double bond CH2 ऐसा है आपका, अगर मैं इसमें HBr का एडिशन करवाती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट तो आपके पास में इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, H+, एंड जो Br होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो उन्होंने क्या कहा था कि H+ कहाँ जाएगा, जहां पर आपके पास में हाइड्रोकार्बन ज्यादा होंगे। अब देखिए हाइड्रोकार्बन ज्यादा होंगे तो अब ये मत बोल देना कि हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं अनसेचुरेटेड कार्बन की, आपको एडिशन करवाना है ना कि सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा CH3CH एंड Br यहाँ पे आ जाएगा एंड CH3 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अगर हम इसमें मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं
तो आप मैकेनिज्म के थ्रू भी इसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास में CH3 मतलब यहाँ पे जो एल्कीन था उस एल्कीन पर H+Br- ये इसको खींचेगा तो यहाँ पे आपके पास में आएगा CH3CH+4CH3। नाउ Br- विल कम एंड अटैक ऑन दैट हाइड्रोकार्बन तो CH Br NCH3। ये था आपका मार्कोनिकोव का फर्स्ट रूल। अब मार्कोनिकोव जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है एंड सेकेंड थिंग ये कि स्टेबल कार्बोकेटाइन पर ही बेस्ड ऑन है, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वहां कहाँ होगा, जहां पर आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल था। एक और रूल दिया था उन्होंने, तो पहले इसको कॉपी करो उसके बाद हम सेकेंड रूल की बात करते हैं। तो मार्कोनिकोव का हमने फर्स्ट रूल कंप्लीट किया, अब सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर आपने HX का एडिशन करवाया कहां पर, विनाइल हैलाइड। अब सबसे पहली बात की विनाइल हैलाइड क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए विनाइल ग्रुप क्या होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री, ये जो ग्रुप होगा ये आपका विनाइल ग्रुप कहलाता है। और अगर मैं यहाँ पे X का एडिशन कर देती हूँ तो ये हमारा हो जाएगा विनाइल हैलाइड। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ विनाइल क्लोराइड का। तो मार्कोनिकोव का ये कहना था कि अगर आप विनाइल हैलाइड पर HX का एडिशन करवाते हैं तो आपका जो हैलाइड या हैलोजन वाला ग्रुप है वो वहां जाके अपने आप को अटैच करता है जहां पर ऑलरेडी हैलोजन एटम प्रेजेंट है। इट मींस Cl है तो Cl का आप एडिशन कहाँ करवाओगे, जहां पर ऑलरेडी जिस कार्बन से Cl प्रेजेंट है। तो बट ऑब्वियस है कि आप H का एडिशन कहाँ करवाओगे, इस वाले कार्बन पे करवाओगे। तो आपके पास में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है CHCl और Cl। और जब एक कार्बन पर दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, जेम, ठीक है ना, जेम डाइहैलाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिलाइड, इथिलीडिन डाइक्लोराइड। बोलो समझ में आया, ये क्या हो गया आपका जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसके अगर मैं मैकेनिज्म की बात करती हूं तो होना क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl HCl ये इधर जाएगा तो इस H का अटैक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, CH+ आ जाएगा, Cl आएगा। जो दूसरा Cl यहाँ पे Cl- के फॉर्म में आया था वो यहाँ पे अटैक कर देगा CH3CHCl NCl। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, जेम डाइहैलाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से आपका विनाइल हैलाइड पे HX का एडिशन हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, द नेगेटिव पार्ट आर न्यूक्लियोफाइल पार्ट अटैच टू डेट डबली बॉन्डेड और मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम विच इज मोर हाइड्रोजिनेटेड। क्या मतलब है इसका, ये कहना चाहते हैं कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, मतलब रिएजेंट में जो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल में से जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है वो एल्किन पर उस वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाके अटैच होगा जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा प्रेजेंट होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एल्कीन मैंने प्रोपीन लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं यहाँ पे HBr का एडिशन करवाती हूँ तो अकॉर्डिंग टू एंडी मार्कोनिकोव रूल जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे सिर्फ HBr लिख के ये नहीं समझ पाएंगे कि मार्कोनिकोव का एडिशन करवाना है या अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करवाना है। तो जब भी आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कराना है आपको HBr के साथ में परऑक्साइड लिखा हुआ मिलेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड या R2O2 लिखा हुआ मिलेगा। जब भी आपके पास में परऑक्साइड होगा तो हम यहाँ पे परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसे एक और नाम से जानते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकोव को एक और रूल के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है आपका परऑक्साइड इफेक्ट। एंड एक और नाम है इसका खराश इफेक्ट। तो तीन नामों से इसे पूछा जा सकता है। अब देखिए कि यहाँ पे जब भी HBr का ही एडिशन हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तभी हम परऑक्साइड इफेक्ट लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ पे HCl दे दिया और यहाँ पे एरो पे परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो आप मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ही एडिशन कराओगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ नहीं लगाओगे। अब बात करते हैं हम इसकी मैकेनिज्म की। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया है तो
हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास में ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, जीरो, तो होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड फ्यूजन कि जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो यहाँ पे OH डॉट जनरेट हुआ, यहाँ OH डॉट जो होगा यह आपके HBr के साथ में रिएक्शन करेगा। जब ये OH डॉट मतलब OH फ्री रेडिकल HBr के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपका H डॉट इसके साथ में बाहर आ जाता है, तो आपको मिलेगा H2O प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको H फ्री रेडिकल क्यों नहीं मिला, है ना। तो H फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये कभी भी H डॉट के फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए ये Br डॉट ही यहाँ से निकलेगा, H डॉट कभी नहीं निकलेगा। अब क्या होगा कि एल्किन जो थी आपकी, इस एल्किन पर Br का अटैक होगा। तो ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड में अगर हम देखें तो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे मूव करेगा। तो जो आपको फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना था, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ पे आके अटैक कर देगा, ठीक है। तो आपको मिलता है CH3 CH फ्री रेडिकल एंड CH2 Br। फिर यहाँ पे H डॉट आता है और ये अटैक करेगा 2 डिग्री के कार्बन फ्री रेडिकल पर और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा फाइनल CH3 CH2 CH2 Br। अब एक और चीज, कि आप ये सोच सकते थे कि इस Br का अटैक मैंने इसी कार्बन पे क्यों कराया, है ना, इस वाले कार्बन पे क्यों नहीं कराया। तो अगर आप इस वाले कार्बन पे इसका अटैक करवाते हैं तो आपको यहाँ पे Br यहाँ पे मिलता है CH2 डॉट, ये आपका है 1 डिग्री का कार्बन फ्री रेडिकल। और इधर वाले केस में आपको मिला था 2 डिग्री का कार्बन फ्री रेडिकल। एंड हमें पता है कि 2 डिग्री का कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। दैट्स व्हाई हम इस वाली प्रोसेस को मतलब इस वाली अप्रोच को फॉलो करेंगे, ना कि इस वाली प्रोसेस को। समझ में आ गई बात, कि यहाँ पे 2 डिग्री का फ्री रेडिकल आपको मिल रहा था, इसलिए 2 डिग्री के फ्री रेडिकल पर हम फिर H डॉट का अटैक कराएंगे, ना कि 1 डिग्री पे। ये भी प्रोडक्ट आपका बन सकता है लेकिन ये माइनर होगा, और अगर मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव पूछा जाएगा तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। आई होप समझ में आ गया पूरा। देखो एल्काइल हैलाइड में सबसे पहले हमने विद एग्जांपल जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक पहला एग्जांपल लिया था एल्किन पर HX का एडिशन, और उसमें हमने हाइड्राइड शिफ्ट करा के एंड रिंग एक्सपांशन करा के इस सब के सारे टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए थे, मार्कोनिकॉव एंड एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी देख लिया था। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, मतलब एल्किन पर वाटर का एडिशन करवाना है। यहाँ पे इसे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन मैंने लिखा है, इसका मतलब आपको वाटर का एडिशन एसिड की प्रेजेंस में करवाना है एल्किन पर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर आपने यहाँ पे एल्किन लिया और वाटर का एडिशन करवाया, और ध्यान रहे यहाँ पे आपको जो एसिड लेना है वो डाइल्यूट H2SO4 लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनने जाएगा वो मिलेगा हमें CH3CHOHCH3 आइसोप्रोपाइल एल्किन, ठीक है ना। क्या मिला हमें, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मिला। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम जब वाटर का एडिशन करवाते हैं तो माइंड में ये आता है कि वाटर H प्लस एंड OH के फॉर्म में आपको ब्रेक हुआ होगा। इट मीन्स जो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करवाया, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाया है, वो इलेक्ट्रोफाइल आपका वाटर से आया होगा, ये जनरली हम सोचते हैं ना, लेकिन ये गलत होगा। आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल डाइल्यूट H2SO4 में से मिलेगा। ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वाटर के एडिशन में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आता है ना, वाटर से या आपका एसिड से। तो ध्यान रहे एसिड से मिलेगा, आपकी बुक्स में H2O से लिखा है जो कि गलत है।
दूसरा है यहाँ पे कि जब न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ से मिलेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आपका वाटर से आएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल H प्लस जो होगा वो आपका एसिड से मिलेगा और OH माइनस जो होगा वो आपका वाटर से मिलेगा, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, होगा क्या, सबसे पहले एल्किन पर डाइल्यूट H2SO4 से जो H प्लस आया है वो H प्लस अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है CH3CH, कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज RDS, है ना। यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी वो क्या होगी, आपकी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन बना है इस पर वाटर का अटैक होगा एंड ये वाटर के जो लोन पेयर होंगे वो इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेंगे, तब हमारे पास में यहाँ पे CH3CHOHH ये प्लस मिल गया और यहाँ पे आपका CH3 हुआ, राइट। अब यहाँ पे ये जो H प्लस है ये निकल जाएगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्केन, मतलब जो एसिड ने आपका H प्लस यहाँ पे दिया था वो यहाँ से H प्लस निकलेगा और वापस H2SO4 वैसा का वैसा जिस तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था वो बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीप्रोटीनेशन, प्रोटोन का निकलना। डीप्रोटीनेशन हो गया और आपको फाइनल प्रोडक्ट CH3OHCH3 आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मिल गया, बात समझ में आई। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सेम वैसा ही है जैसा हमने HX का एडिशन करवाया था एल्किन पर, ठीक है ना। सारी प्रोसेस वैसी ही होनी है, सारी रिएक्शन वैसी ही होनी है, बस आपको यहाँ पे अल्कोहल मतलब OH- का अटैक करवाना है और वहां पे हमने क्या करवाया था, BR का अटैक करवाया था। एडिशन ऑफ वाटर समझ में आया। अब एडिशन ऑफ वाटर के एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एल्किन है और इस एल्किन पर आपने वाटर का एडिशन करवाना, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल वाटर से आया ना, नहीं ना, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आता है, एसिड से। तो कभी भी ये गलती नहीं करना जल्दबाजी में, यहां से H प्लस आपका अटैक करेगा तो आपके पास में सेकेंड स्टेप क्या आएगी, CH3CH CH3CH, इस पे प्लस चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 कार्बोकेटाइन बन गया। अब ध्यान रहे कि आपका जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल OH है वो यहाँ पे अटैक कर तो सकता है लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा, क्योंकि हमारे पास में अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ाने की एक फैसिलिटी है, राइट। क्योंकि आपके पास में अगर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हो, जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 फिनाइल एंड एल्काइल शिफ्ट किस तरह से किया था, तो अगर आपके पास कंपाउंड में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने की फैसिलिटी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्टिंग करा के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3CH और CH3 है, ये जो जनरेटेड कार्बोकेटाइन था ये आपका 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन था। अगर हम यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट से आपको 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, राइट। एंड जो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन होगा वो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, तो आने वाला OH आपका 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपके पास में मिलेगा CH3CH जो कि H यहाँ पे माइग्रेट कर गया होगा, यहाँ पे CH3 देन CH2CH3 आया होगा। अब जो OH माइनस था मतलब वाटर का अटैक जो आप कराओगे वो कहाँ कराओगे, यहाँ पे कराओगे। वाटर का अटैक कराने के बाद में डीप्रोटीनेशन कराएंगे और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाएगा, CH3OH CH3CH2CH3। बोलो समझ में आया, ये आपका प्रोडक्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास में
रिंग एक्सपेंशन का केस आया, और आपको बताया गया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि अगर 4 मेंबर रिंग है तो डायरेक्टली आप उसे क्या करो, 5 मेंबर रिंग में एक्सपांड कराओ, सीएसटी लगा दो, और सीएसटी मतलब के पास वाले कार्बन पे 3 डिग्री का कार्बोकैटायन जनरेट करवाना। अब बार बार आप रिंग एक्सपेंशन करवा के टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपके पास में रिंग एक्सपेंशन करवाने के बाद में जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी। अब आपका जो वाटर का अटैक होगा वो यहाँ पे होगा, मतलब डी प्रोटीनेशन करवाने के बाद में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिल जाएगा। बोलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2-4 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास में इस तरह की कंडीशन आती है तो 2 बार रिंग ओपनिंग होगी, एंड दोनों ही रिंग एक्सपांड होके एक एक नंबर के कार्बन में बढ़ जाएगी। तो 4 मेंबर रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 मेंबर में चेंज होगी, ये वाली 4 मेंबर रिंग भी 5 मेंबर में चेंज होगी, और आपके पास में जॉइंट पे एक कार्बोकैटायन लगेगा। ठीक है, अब जो वाटर का अटैक होगा वो आप यहाँ पे करवा दोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास में इस तरीके से कंडीशन आएगी। आप क्या करवा दोगे, डी प्रोटीनेशन करवा दोगे, और डी प्रोटीनेशन के बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या मिल जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो ये ठीक वैसा ही है जैसा हम HBr का एडिशन करवा रहे थे। अगर आपको ये ध्यान रहता है कि आपने वाटर का एडिशन करवाना है, मतलब H प्लस और OH माइनस ऐड करना है, तो डायरेक्टली 5 मेंबर रिंग बनाओ दोनों को, जॉइंट पे कार्बोकैटायन लगाओ और OH को जोड़ दो। मैकेनिज्म को बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये समझो। अब हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। 2 एग्जांपल हम कर चुके हैं,